हेलो एवरीवन, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं आलम क्रिप्टो। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आपको प्रॉफिट बुक करना आता है तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा इसके अंदर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट बुक करना नहीं आता है और प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं बल्कि इंतज़ार करते रहते हैं कि मार्केट बढ़ेगा 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 और हमारा जो पैसा है वो 10x हो जाता है, 20x हो जाता है, 30x हो जाता है और उसके बाद मार्केट के अंदर एक बैक क्रैश क्रैश आता है, मार्केट गिरती है और हम बिल्कुल जहां से हम एंट्री किए होते हैं उससे भी नीचे प्राइस आ जाती है और हम अफसोस करते रह जाते हैं कि काश हम अपने पैसे को निकाल लिए होते, काश हम अपना ये कर लिए होते, प्रॉफिट बुक कर लिए होते तो आज उस पैसे से बहुत काम हम ले सकते थे। जिस तरीके से 2021 के अंदर हुआ कि हमें बहुत सारे कॉइन के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था लेकिन हमने उसके अंदर गलती की और प्रॉफिट बुक नहीं कर सके और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया और वो अच्छे खासे आज के वक्त के अंदर अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं और हमारे पास इतना फंड नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि हम बाय कर सकें। तो किस तरीके से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक करना क्यों ज़रूरी है, आज की वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करें ताकि सारी बातें, सारा प्रोसेस और सारा मेथड आपके समझ में आ सके और इस वीडियो का कोई भी एंगल और पार्ट आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक मिसाल से समझते हैं कि प्रॉफिट कैसे बुक किया जाता है और किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, मुफीद हो। तो मैंने आपके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन, एक बहुत ही मजबूत कॉइन और जिसके बारे में मैंने बार बार बातें की है कि ये कितना मजबूत कॉइन है कि जैसे वेब थ्री का ट्रेंड आएगा ये कॉइन आपको अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है, जिसका नाम है पोलका डॉट या इसको डॉट भी कह सकते हैं। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो इसका ऑल टाइम हाई है तकरीबन $54, ठीक है, $54 के आसपास, $55 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है और इसका ऑल टाइम लो देखेंगे तो ऑल टाइम लो इसका है 2.7, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। तकरीबन मानते हैं कि इस मार्केट जो क्रैश हुआ था तो इसकी प्राइस तकरीबन $5 के आसपास आई थी, तकरीबन मान लीजिए कि $6-$7 पर इसकी प्राइस ये आई थी और अभी $8 के आसपास चल रही है, 8.41 चल रहा है इसकी प्राइस। तो मान लीजिए कि आपने इसकी प्राइस आई थी $6 के ऊपर तो आपने वहाँ पर एंट्री की, $7 पर आपने एंट्री की, $8 पर एंट्री की आपने, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, आपने 10 पर भी बाय की थी, आपने 50 पर भी बाय की थी, आपने इसके अंदर एंट्री की थी $40 के ऊपर भी आपने एंट्री की थी, इसके अंदर जब इसकी प्राइस $30 आई थी वहाँ पर भी एंट्री की थी, आपने 20 पर भी एंट्री की थी, आपने 10 पर भी एंट्री की थी, तो कई जगह पर आपने एंट्री की थी। मान लीजिए अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज अगर आपका आता है $15, ठीक है, मान लीजिए कि $15 आपका एवरेज आता है, इसलिए कि आपने 40 से बाय करना शुरू किया, 7 तक किया, 6 तक किया, आपका एवरेज आया 15, जो भी आ सकता है, मैं ये आप एक अंदाजे के तौर पर चल रहा हूँ कि आपका एवरेज आया $15, तो $15 एक्चुअल है कि आपने एंट्री करना जो शुरू किया है वो $15 पर किया है और अभी इसकी प्राइस चल रही है $8 पर, $8 पर, तो अभी तो आप 50% लॉस में हो, ठीक है, तकरीबन 40% 50% अभी आप लॉस में हैं। तो जैसे इसकी प्राइस आती है, डॉट की प्राइस आती है $15, ठीक है, $15 इसकी प्राइस आती है तो आप उस वक्त क्या हैं कि आप स्टेबल हो चुके हैं, आप ये देख चुके हैं कि आपका आपने जहाँ पर आपका एवरेज जो ये है एवरेज बन रहा है वहाँ पर आप आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया, यहाँ से जितनी प्राइस बढ़ेगी वो आपका एक्चुअल बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसकी प्राइस हो गई $30, 1500 या 30 तक पहुँच गया, इसका मतलब ये है कि आपके अगर $100 हैं तो अब आपके $200 हो चुके हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि आप डबल पर पहुँच चुके हैं। तो जैसे ये $30 पर पहुँचता है आप 10% अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और बकिया जो है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइस पहुंचती है $30 के बजाय $40 पर पहुंचती है इसकी प्राइस, तो वहां पर भी आप $10 निकाल लेंगे, 50 पर पहुंचती है तो वहां पर हम $20 निकालेंगे,
60 पर पहुंचती है तो वहां पर 20% निकालेंगे, तो इस तरीके से या कह सकते हैं कि 20% निकालेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी उस तरीके से हम उसके अंदर अपना जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करते रहेंगे और अपने एतबार से 10% 20% 30% 40% उसको निकालते रहेंगे। एक मरतबा के अंदर हम सारा पैसा नहीं निकालेंगे, धीरे 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 करके अपने सारे पैसे को निकालते रहेंगे। ये एक तरीका होता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, इसलिए कि जब हमारा पैसा डबल होता है या ट्रिपल होता है या 5x होता है, हम सारे के सारे पैसे को निकाल लेते हैं, और अगर वो 10x हो जाता है तो हमें काफ़ी अफसोस होता है। इसलिए इंतज़ार करेंगे कि जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ेगा उसे वैसे वैसे उसको निकालते रहेंगे। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।